जय हिंद मित्रों, सोनभद्र में राशन कार्ड किसके होंगे निरस्त, किससे होगी वसूली, आइए जानते हैं विस्तार से। शासनादेश संख्या 2364 29 जून 2014 104 सा 9 टीसी 10 7 अक्टूबर 2014 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूर्ण करने वाले परिवारों को अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना का राशन कार्ड जारी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार समस्त आय करदाता ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर या हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलित यंत्र एयर कंडीशनर या 5 KVA या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 7.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय ₹2,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस शस्त्र हो अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकरदाता ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलित यंत्र अर्थात एयर कंडीशनर अथवा 5 KVA या उससे अधिक क्षमता के जनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे कारपोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस शस्त्र हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय ₹3,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक हो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। शासनादेशानुसार सत्यापन के समस्त अपात्र पाए जाने पर अपात्र कार्ड धारकों को निर्गत खाद्यान्न के सापेक्ष बाजार दर पर वसूली किए जाने की व्यवस्था दी गई है। अतः जनपद सोनभद्र के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त श्रेणी में आते हैं तो तत्काल अपना राशन कार्ड संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ समर्पित कर दें, अन्यथा सत्यापन के समय अपात्र पाए गए कार्डधारकों से शासन द्वारा दी गई व्यवस्थानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रेस विज्ञप्ति जिलाधिकारी सोनभद्र के हस्ताक्षर से 17 मई 2022 को निर्गत किया गया है। एक बार फिर से हम उन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लोगों को अवगत करा दें कि किसका किसका राशन कार्ड निरस्त होगा, फिर से एक बार आप सुन लें और समझ लें, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार समस्त आयकरदाता ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर या हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलित यंत्र अर्थात एयर कंडीशनर या 5 KVA या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 7.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय ₹2,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस शस्त्र हो अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकरदाता ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलित यंत्र अर्थात एयर कंडीशनर अथवा 5 KVA या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे कारपोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस शस्त्र हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय ₹3,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक हो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं।
शासनादेशानुसार सत्यापन के समय अपात्र पाए जाने पर अपात्र कार्ड धारकों को निर्गत खाद्यान्न के सापेक्ष बाजार दर पर वसूली किए जाने की व्यवस्था दी गई है। यह प्रेस विज्ञप्ति 17 मई 2022 को पत्रांक 345 जिला पूर्ति अधिकारी प्रेस नोट राका 2022 के अंतर्गत जारी की गई है। जय हिंद।